दिल्ली में प्रजातंत्र के मंदिर और भारत की ऐतिहासिक भव्य लोकसभा में संविधान और भारत के सर्वधर्म संभाव के चरित्र का हनन और पत्न एक मुस्लिम सांसद को गंदे और बद्दे अपशब्द सत्ताधारी दल भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा किया गया, जिसका विरोध इमामी गेट चौराहे पर पुतला दहन युवा नेता मुदस्सिर कोसर यूथ क्लब द्वारा किया गया। लोकतंत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के शहीद एक सांसद जिस तरह के वक्तव्य एक खास धर्म मुसलमानों के खिलाफ करें, ये निंदनीय है, ये माफी के योग्य नहीं, ये शर्मनाक, ये पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की आत्मा पर एक हमला। और आज हम सब लोग यहाँ पर भोपाल की सरजमीन से इस पीर गेट चौराहे से, हम भोपाल के युवा, हम हर भारतीय मुसलमान बाद में पहले सच्चा रहे भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, संविधान के अंदर लोकतंत्र के मंदिर के अंदर इस तरह की भाषा, एक आप किसी को कटवा बोल रहा हो, कुंडा बोल रहा हो, उसके धर्म पर, उसके लोगों की, करोड़ों करोड़ों लोगों की आत्मा पर हमला कर रहा हो, ये माफी के लायक नहीं है। और हम यहाँ से नरेंद्र दास मोदी जी से ये आग्रह करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि देश को बचाइए, होश पे आइए, आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, आज आप लोगों के अंदर, समाज के अंदर क्या पैगाम देना चाहते हैं। आपका शहीद का सांसद इतनी गंदी वाणी का इस्तेमाल करता है, आपने उसके लिए क्या एक्शन किया, कब चलेगा बुलडोजर, कब होगी उस पर कार्रवाई, कब देंगे उसको फांसी। हम सब भोपाल के यहाँ पर सुबह इकट्ठा है, हम सब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि आप कानूनी तरीके से उसको सजा दें, उसको फांसी के कंधे पर चढ़ाएं, क्योंकि उसने एक सांसद को नहीं, इस देश के 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की भावनाओं को हत्या किया है, मुसलमानों का दिल तोड़ा है, मुसलमानों को हमला किया है इसने। और अगर हम आप मुझे कानूनी तौर पर ही निवेदन करते हैं कि हम लोग, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम सड़कों पर आएंगे, पूरे शहर में, प्रदेश में और देश में हम आपके खिलाफ पूरा ताकत से संघर्ष करेंगे, विरोध करेंगे, और आपको बताएंगे कि अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सच्चे देश प्रेमी हैं, हम सच्चे भारतीय हैं, हमें अपनी राष्ट्रीयता का पैगाम देने की, प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। अगर मोदी जी, शिवराज जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आप होश में नहीं आएंगे तो हम आपको होश में लाने का काम करेंगे। ये हमारी आपको चेतावनी है, ये हमारी आपसे गुजारिश भी है। सर, पूरे मामले थाने में मामला पंजीकृत करेंगे, थाने में जाएंगे, पंजीकृत करेंगे मामला। हम थाने में भी जाएंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे, हम हर तरह का संवैधानिक जो हमको आजादी है उन मूल्यों का इस्तेमाल करके उस रमेश को, उस पापी रमेश को, उस असंवैधानिक रमेश को, जो इस देश के संविधान को नहीं मानता, जो इस देश के संविधान को, प्रियम्बल को भरोसा नहीं करता, उसने संविधान के मंदिर में जिस तरह की बदतमीजी की है, हम इसके खिलाफ जहाँ जहाँ जा सकते हैं, जो जो कर सकते हैं, पूरी ताकत से करेंगे। मेरा नाम मुदस्सिर कोसर है और हम रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।